प्रभु भक्ति में अपूर्व शक्ति है जिसकी महिमा का पार नहीं। तो आइए हम और आप मिलकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाएं। अलबेलो सावरियो लाडिलो मारे मनिवसियो। अलबेलो अलबेलो सावरियो लाडिलो मारे मनिवसियो। Ah.
के साथ प्रोग्राम करने वाले दीपमाला आज आपको हमारे बीच में है। तो लीजिए, आपने उसकी आवाज तो सुन ली है, वो कोकिल कंठिनी जो आपके सामने आपकी बेहद मांग के ऊपर आ रही हैं। एक बार वापस जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। तेरा जग ये दीवाना है अपना जो लाखों रुपए का चढ़ाव बोलते हैं उनका भी उत्साह बना रहे। ट्रिकल्स वालों की तरफ से हैं, उनका बहुमान वो करेंगे। जब मैं यहां पर चढ़ाव बोलने के लिए आया था, जब जाजम के चढ़ावे के ऊपर मैंने कहा था कि भाइयों मेरा कहना मानना, और ये चढ़ावे इतने जोरदार है, वीडियो में, फिल्म में, कैसेट में, टीवी में और फोटो में सब वही छाए रहेंगे। पुरुषादानी तुम संग ने हहलागा, नाम जपंता पाठ प्रभु का सभी संकट है भागा। केवल ज्ञानी पुरुषादानी तुम संग ने हहलागा, नाम जपंता पाठ प्रभु का सभी संकट है भागा।
तरफ से भी एक बंदी बाबा बंदी मुट्ठी लाग की और खुल गई तो खाक की। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 201 रुपए देने की घोषणा की, जोरदार तालियां। लक्ष्मी ज्वेलरी की तरफ से भी 201 रुपया, एक बार और ताली से अनुमोदना। वास्तव में बहुत मेहनत करी है। तेरी आंगी बनी है मस्त मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त। क्या चेहरा चमके आज रात, क्या चेहरा चमके आज आज, मैं आया लेकर साज साज। नहीं करना नहीं करना पापों का साथ साथ, तेरा ध्यान करूं हर वक्त वक्त। तेरी आंगी बनी है मस्त मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त। जो गाएगा ये गीत उसके पास मैं आऊंगा और खुद में माइक लेकर के उसके मुंह के आगे रखूंगा। हाँ, संखेश्वर तेरा धाम धाम, संखेश्वर तेरा धाम धाम, पारस ने तेरा नाम नाम। जो धर ले तेरा ध्यान ध्यान, वो भी हो जाए मस्त मस्त। तेरी आंगी बनी है मस्त मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त। संखेश्वर तेरा धाम धाम, तालियां। संखेश्वर तेरा धाम धाम, पारस ने तेरा नाम नाम। जो धर ले तेरा ध्यान ध्यान, वो भी हो जाए मस्त मस्त। तेरी आंगी बनी है मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त। तुम भक्तों के हो रखवाले, मेरे लावल डूबे या तेरे हवाले। तुम भक्तों के हो रखवाले, मेरे लावल डूबे या तेरे हवाले। सुन ले ये विनती खास खास, सुन ले ये विनती खास खास, मैं तो चरणों का दास दास। दर्शन की पुछा ले प्यास प्यास, तब हो जाऊंगा मस्त मस्त। तेरी आंगी बनी है मस्त मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त। क्या चेहरा चमके आज आज, क्या चेहरा चमके आज आज, मैं आया लेकर साज साज। नहीं करना पापों का साथ साथ, तेरा ध्यान करूं हर वक्त वक्त। संखेश्वर तेरा धाम धाम, पारस ने तेरा नाम नाम। जो धर ले तेरा ध्यान ध्यान, वो भी हो जाए मस्त मस्त। तेरी आंगी बनी है मस्त मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त। तेरी आंगी बनी है मस्त मस्त, तेरी आंगी बनी है मस्त। किरण जी की धर्म पत्नी मीना भाई वो मंच के ऊपर आए। बहुत उत्साह है आज बच्चों में और महिलाओं में, बालिकाओं में, बालिकाओं में। Thank you.
पार्श्व गायिका दीप माला जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। रे भाया रे बहना वीर भजरे वीर भजरे भाया वीर भजरे जरा तो के लो मारो हाथ वीर भजरे जरा तो के लो मारो हाथ वीर भजरे મંજુ ભાઈ તો ચુંદરી પણ ભવરજી ની જોડાવે છે ભવરજી જુડ શરીર જુદા ભી તો કોઈ ભી ગયો જીવ તો એક હે ને કોઈ વાત નહીં મંજુ આપણા તરફથી મન Ah!
भगवान के साकरिया तांबुल दिखो ऊपर आए भगवान के भुआ भुरा सा ऊपर कमलेश और किशोर मंच के ऊपर आए घेवचंद जी बुला रहे हैं Thank you.
जन्म महोत्सव अभी चालू है, देवों ने मनाया, देवियों ने मनाया, किंतु अभी मानवों को सिद्धार्थ महाराज और सही सारी क्षत्रियकुंड नगरी के लोग, आप साहब आज क्षत्रियकुंड नगरी के निवासी हो, तो सिद्धार्थ महाराज के प्रजाजनों के लिए आप इस तरह से प्रजा राजा को आनंद होता है, इस तरह से आप आनंद मनाना, जिससे आपके हृदय में सचमुच परमात्मा के जन्म के समय ही आप उपस्थित हो, और जैसा आनंद उन लोगों ने उठाया वैसा ही आनंद आप यहाँ उठा सकते हो। खूब शांति से ये प्रोग्राम देखना। मंत्री है बहादुर मंत्री, और यानी कि बुद्धिशाली पराक्रमी मंत्री, वो हमारे राजा के भाव समझ जाते हैं, और इस खामोशी को भंग करते हुए ये मंत्री स्वर है वो महाराजा से कुछ बात करते हैं। क्या राज्य में बहादुर सेनापति राजगुरु जैसे महान योद्धा हैं, बुद्धिमान ज्योतिषी जी और समृद्धशाली नगर सेठ बैठे हैं, फिर आप क्यों चिंता करते हैं? महाराज अपनी प्रजा सुख शांति से जीवन यापन कर रही है। जिस राज्य में गाय भैंस शेर और बकरियां एक घाट का पानी पीते हैं, उस राज्य में क्या कष्ट हो सकता है? जोरदार मंत्री स्वर के लिए तालियां। संकट नहीं आ सकता। मालूम है जब से महारानी ने मां सपनों को देखा है, तब से हमारे पड़ोसी शत्रु राजा हमारी शरण में आने लगे है, तथा बाकी के हमारे वश में हो गए है। अब कोई करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। महाराज आप चिंता नहीं करें। अब ये बात सुनकर के महाराजा की चिंता तो कोई दूसरी है, और सेनापति और मंत्री सर कुछ दूसरी चिंता लेकर के चिंतित हो गए। तो उस राज्य में भला क्या कष्ट आ सकता है? मेरी चिंता का कारण तो कुछ और ही है। तब नगर सेठ जी क्या कहते, सुनिए। तो महाराज ऐसी क्या चिंता हो सकती है जो आप हमें नहीं बता सकते? देखिए नगर सेठ जी कितने बुद्धिशाली है। फिर उन्होंने आखिर में बात खोली दी कि नगर सेठ जी कहते हैं कि महाराजा ऐसी भी आपको क्या ऐसी प्राइवेट चिंता है जो आप हमें बताते आपको नहीं बता सकते, या शंका होती है, क्या बात है? तब इसका खुलासा
अब वो मंत्री क्या पूछते हैं, सेनापति क्या पूछते हैं, नगर सेठ जी क्या पूछते हैं, इसलिए खुद राजा ने सोचा कि अब मेरे को मेरी चिंता का कारण बता देना चाहिए। यह है तो अब तो मुझे बताना होगा। सुनो, आज महारानी को स्वप्न देखे 9-9 महीने व्यतीत हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाचार नहीं मिला है, अतः मैं बहुत चिंतित हूँ। हमारे राजपुरोहित जी, राजगुरु जी बन कितने समझदार, कितने चालाक और चतुर, और उनको आश्वासन दिलाते हैं महाराजा को, क्या आश्वासन दिलाते देखिए। ओ महाराज, आप ही बिना कारण ही चिंता कर रहे हैं, आप देव गुरु और धर्म पर सदा रखो, आप अपने ज्योतिषी पर भी विश्वास रखिए, कोई न कोई शुभ समाचार तो आता ही होगा। महाराजा क्या बोलते सुनिए। आओ प्रिय बंदा, क्या समाचार लाई हो? राजन, आज मैं आपको अति उत्तम और हृदय का आनंदित करने वाला समाचार देने आई हूँ। अरे तू कैसा समाचार लाई है, बता दो सही। कहती हूँ राजन, कहती हूँ, आज मेरे दिल में इतना सारा आनंद है कि देखिए, आज तो महाराजा भी बहुत जोरदार बोल रहे हैं, क्या बात है। हाँ, सिरा खा के आए। और प्रियवंदा राशि, इसके बारे में प्रियवंदा क्या समाचार आई हो? राजन, आज मैं आपको एक अति उत्तम और हृदय का आनंदित करने वाला समाचार सुनने की बहुत इच्छा है। अब राजा खड़े हो गए, देखिए खुशी के समाचार सुनने के लिए खड़े हो गए। मेरा लाल कैसा है, दासी को पूछ रहे हैं। हे नरनाथ, कुंवर जी के रूप की मैं क्या तारीफ करूं, उनका सुंदर सलोना मुखड़ा याद करूं तो मैं सब कुछ भूल जाती हूं। उनके गोरे गोरे गुलाबी गाल, नन्ने नन्ने कोमल जैसे मखमल पाव, पंखुड़ी जैसे सिंदूरी पतले होठ, हा 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 क्या कहूं। पुत्र आपके कुल को रोशन करेगा और जगत में सबसे महान होगा। महाराज की जय हो, विजय हो। देखिए क्या कहते हैं। पुत्र जन्म के इस समाचार ने मेरे रोम रोम में अमृत का माइक में अमृत का चिंतन किया है, मेरे हृदय में आनंद के दीप जलाए हैं। अपने हृदय का आनंद में हजार से भी नहीं व्यक्त कर सकता, हजार मुख से भी नहीं व्यक्त कर सकता। सौभाग्य पुत्र जन्म का समाचार भी माता पिता को समाचार के लिए स्वर्ग के सुख का आनंद देता है। तो ऐसे अलौकिक
14 महासपनों से सुशोभित पुत्रगत समाचार से मेरा मन हर्षित न हो ऐसे स्वाभाविक है। पुत्र जन्म के समाचार से आनंदित करने वाली है सचमुच। आज तूने मेरी प्रिया बात कर अपना नाम सार्थक किया है। मैं राजा देते नहीं है तो मुकुट छोड़कर के शरीर के ऊपर जितने आभूषण है सब प्रेमनाथ दासी को भेंट में दे देते हैं। अब आप महाराजा से नहीं खुलेंगे तो हम खुलेंगे। दासी को एक खुशी के अंदर, ये जन्म की खुशी के अंदर वो सोने की चैन दी है और बाकी जितने भी ये शरीर के ऊपर आभूषण पहने सब खोलो। भाई 2-3 आदमी आओ, खोलो। अरे नगर वासियों, पुत्र जन्म की खुशी में महाराज ने मुझे इतना दिया है कि मैं 7 पीढ़ी तक भी खाली नहीं होगा। बधाई सुनकर महाराजा भी भूले नहीं समाए, भूले नहीं समाए। बधाई सुनकर महाराजा भी भूले नहीं समाए, पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। इस खुशी में कैद खाने के सर्व कैदियों को मुक्त कीजिए। सारे नगर में अवैधा देखिए। अब हमारे जो सेनापति है वो किधर दिख नहीं रहे, किधर गए सेनापति? वो शायद कैदियों को छोड़ाने के लिए गए हैं। हाँ, जेल खाने में गए हैं। अब जेल खाने से कैदियों किस प्रकार से लेकर के आते हैं देखिए। सब कैदियों को छोड़ दो, लेकिन सेनापति बहुत समझदार, वो कहते हैं कि ऐसे खतरनाक मुजरिम को कैसे छोड़ें। अरे भाई शांति, इधर तो शांति रख। वो 4 कैदी बहुत खतरनाक है, किस समय कुछ कर सकते हैं, तो महाराज के पास पकड़ करके लाए हैं। अब महाराज पूछते हैं इनने क्या क्या अपराध किया है। हेलो सेनापति जी, इन्होंने क्या क्या अपराध किया है? जो पहले जो ये है बहुत खतरनाक, अभी भी इसका हाथ और पांव सब चलता है, कभी तलवार चलाता है, कभी क्या चलाता है। तो ये बहुत खतरनाक मुजरिम है और डाका डालता है, लूटमार करता है और बड़े बड़े राज खजाने की खजाने लूट ली है। बहुत खतरनाक है, रोज इसके ऊपर बेड़ी लगाते हैं, लेकिन आज इसको छुटा लाया कि भाई महाराज के दरबार में शायद इसका हो जाए। कभी डाका डालना नहीं। तो हमारे ये जो पहले जो कैदी है डाकू, उन्होंने कहते हैं कि जैसे ही पुत्र रत्न का जन्म हुआ है मेरा मन परिवर्तन हो गया है। देखो अभी इतने टाइम तो धमाल करता था, तलवार डोरी सब हिलाता था, लेकिन अभी देखो हाथ जोड़ने लग गया। यानी कि उसके पूरे भगवान के जन्म से सात नरक के थयाजू वाला थावर ने अपन सुखकारी। अरे भगवान के जन्म से तो 7 नरक के अंदर उजाला हो जाता है, ये कैदी क्या बड़ी बात है, खतरनाक है, बड़ी बड़ा धरती के ऊपर अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अब महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। कभी भी मदिरा पान करना नहीं, दृष्टि अच्छी रखना। भगवान के जन्म से मैंने कभी मदिरा पान की भी नहीं और करूंगा भी नहीं। देखिए भाग्यशाली, हाँ आपने नहीं किए, लेकिन आप यहाँ पर कैदी बनकर आए हैं, इसलिए जो मैं बोलता हूँ वो बोलो। अभी हम कभी मदिरा पान नहीं करेंगे। हम कभी मदिरा पान नहीं करेंगे। और भगवान के जन्म से हमारे भाव बहुत शुद्ध हो गए हैं। भगवान के जन्म से हमारे भाव बहुत शुद्ध हो गए हैं। आप हमें छोड़ दीजिए। महाराज ये तीसरा अपराधी है। देखिए ये देखने में जेंटलमैन दिखता है, लेकिन 2 नंबर का बहुत काम करता है। हाँ, किलो की जगह 1.25 किलो तोलता है और गेहूं में जौ मिलाता है, मिलावट करता है। महाराज इसको छोड़ेंगे तो अरे आपस में नहीं लड़ना है, इसको छोड़ेंगे तो इस धरती के ऊपर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाएगा। महाराज कहते हैं कभी मिलावट करना नहीं, बराबर तोलना, नहीं तो नरक में जाओगे। महाराज मैं थोड़ी नहीं मिलावट करता था, वो तो ठीक है कभी कभी भूल से हो जाता था, फिर भी आप कहते हैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। बहुत बढ़िया बोले। तो और ये चौथे जो अपराधी है,
ये भी बहुत खतरनाक अपराधी है। और ये क्या करते हैं, ये इनके पास ऐसे ऐसे औजार है कि ताला को टच करे कि ताला टूट जावे। हजारों लाखों रुपए की इसने चोरी की है, चोरी की आपकी आंखों में धूल झोंक करके आपके हाथ में रही हुई, पिक पॉकेट करता है, चोरी करता है। टंगा नहीं, कभी डाका डालना नहीं, कभी पॉकेट मारना नहीं। महाराज मैंने माफ करो वो, लेकिन एक बात जरूर को, मैं जितनी भी पॉकेट मारी हूँ अनोरे हाथ तो जगत ने माफ की दो तो आज ही सौगन लो कि मु कदे कन्नो पॉकेट नहीं मारो। हाँ एक ध्यान रख दियो, थोड़ा पॉकेट थोड़ा माया तक रख दियो। मिनिस्टर साहब रमेश जी रेड्डी यहाँ पर पधार चुके हैं, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। 1 2 3 4 हमारे ट्रस्ट मंडल की ओर से, तमाम साधनिक बंधुओं की ओर से, अशोक गेमाउट जैन ऑर्केस्ट्रा की ओर से, मंत्री स्वर रमेश जी रेड्डी का हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, वेलकम। दिलीप ज्वेलर्स की तरफ से भी 501 रुपया, दिलीप ज्वेलर्स की तरफ से भी 501 रुपया देने की घोषणा की है। 501 रुपया फूलचंद जी भूरमल जी, 501 रुपया प्रकाश स्वरूप कुमार जी भूरमल जी, और 501 रुपया सर नैमिकचंद जी भूरमल जी की तरफ से भी श्रीवंदा दासी को देने की घोषणा की है। जोरदार अब भुआ भरोसा देखिए, कोई ठाटती आ रही है, कोई नाचे रही है, कोई लटका ले रही है, वारे वाह भुआ भरोसा जिंदाबाद। बोलो बोलो स्वामी भगवान की, टकराव वाले ऊपर आएंगे, बाकी कोई ऊपर नहीं आएंगे। मेरे साथे साथे सहेलिया अपार कुंवर मारा लाडकला, साथे साथे सहेलिया अपार कुंवर मारा लाडकला, साथे साथे सहेलिया अपार कुंवर मारा लाडकला। झबला भी लाया थारे टोपी भी लाई रे, घोड़ा भी लाया थारे गाड़ी भी लाई रे, घोड़ा भी लाया थारे गाड़ी भी लाई रे। रोशमनी चोरी लीली हाथ रे माए, राजा हाथ रे माए, ये तो दिसला राजा आया, झूलो रे झूलो रे, ये तो दिसला राजा आया, झूलो रे झूलो रे, ये तो दिसला राजा आया। थाने झूलावे आको मारवाड़ हो, आको गोड़वाड़ हो, आको भारत देश हो, ये तो दिसला राजा आया, झूलो रे झूलो रे, ये तो दिसला राजा आया, झूलो झूलो रे, ये तो दिसला राजा आया। मामा मामी थारे काजे झबला टोपी लावे आजे, मामा मामी थारे काजे, मामा मामी थारे काजे झबला टोपी लावे आजे, मामा मामी थारे काजे। तो गलत नहीं बोलिया बरोबर। हाँ लेकिन लाडला भतीजा ने देखना भूल गया, अबे लाडला भतीजा ने देखे रही यार, कोई बोले सुनो। ओहो ओहो इतना प्यारा है मेरा नन्ना मुन्ना भतीजा, बहुत सारी कोई मीठी आवाज है लागे, हमारी माँ उन्होंने खूब शक्कर खवाड़ी है। बलैया ले लो मेरे लाल की। अरे भाभी देखो तो इसका चंदा जैसे मुकड़ा कैसे तेज से चमक रहा है, इसके गोरे गोरे गुलाबी गाल, काले काले घुंघराले बाल, पतले पतले गुलाबी होंठ, नन्हे नन्हे मखमल जैसे कोमल हाथ, और इसकी आंखें लगता है जैसे दुनिया का सारा प्यार इसी में समा गया है। आया रे आया जो सिराज, लेकिन रो जवाब नहीं, आया रे आया जो सिराज, लेकिन रो जवाब नहीं।
पीछे नाक में ऐनक मुकड़ा निराला नाक में ऐनक मुकड़ा निराला कले पे चमके रेशम तुशाला कले पे चमके रेशम तुशाला छाले मत वाली चाल के जवाब नहीं हो छाले मत वाली चाल के इनरो जवाब नहीं चाले मत वाली चाल के इनरो जवाब नहीं हो चाले मत वाली चाल के इनरो जवाब नहीं लंबी दाढ़ी कौन है मोटी 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 आज्ञा है इनरी छोटी छोटी 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 सरस्वती मेहरबान के इनरो जवाब नहीं हो सरस्वती मेहरबान के इनरो जवाब नहीं फिर राजन दीर्घायु भो यशस्वी भो प्रगावान भो महासौभाग्यशाली भो प्रौढ़ श्री भो कीर्तिमान भो सदा विश्वोप जी ओ महाराजी राज की जय हो आगे हम आपका स्वागत करते हैं ज्योतिषी महाराज आप जानते हैं ना हमारे यहाँ दिव्य पुत्र रत्न का जन्म हुआ है मेरे लाडले दुलारे भतीजे का नाम रखना है उसकी राशि निकाल कर दीजिए ना पुत्र रत्न का जन्म हुआ चैत्यसूदी तेजस की राजगी को वहाँ क्या बात है महाराज आपको याद होगा कि जब महारानी ने सौदावा सपना देखे थे तभी मैंने आपको कह दिया था कि महारानी एक को जन्म देगी अब मैं आपको टिप्पणा सब कुछ विस्तार से बताऊं महाराज अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ अतः आप कुंडली हमारे शिष्य रतन चिद्रारंजी महाराज से जन्म कुंडली पुत्र की सुने तो साल भी बीत जाए तो इस बालक की कुंडली का वर्णन मैं नहीं कर सकता संक्षिप्त में मैं थोड़ा बहुत जो कुछ ग्रहों का वर्णन है वो करने जा रहा हूं वर्धमान कुमार का जन्म हुआ है इनकी माता का नाम त्रिशला महारानी जिन्होंने पुत्र को जन्म दिया है सिद्धार्थ महाराजा आपके पुत्र का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का चतुर्थ चरण है जो कन्या राशि का चंद्रमा और राशि बनती है इनका लग्न जन्म लग्न धन लग्न है लग्न में गुरु स्वग्रही बन करके बैठा है जो पंडितों का पंडित बनने का पंडितों का शिरोमणि रत्न बनने का बतलाता है जो जिसका जन्म हुआ है उसके कुंडली में चतुर्थ स्थान में मीन राशि का शुक्र उच्च का बनकर बैठा है जो सुखी सुखी और सुखी अनंत सुख का मालिक बनेगा बनाता है यानी विद्याओं का भंडार भरपूर बनेगा विद्याधिपति बनेगा महान विद्या का मालिक बनेगा अरे छठा स्थान वृषभ राशि का बना है सब शत्रुओं का नाश हो जाएगा सातवां स्थान मिथुन है मिथुन राशि का मालिक जो बुध है वो कन्या का बन करके दसवें स्थान में बैठा है यानी महान योग बनाता है और यह महान योगी बन करके विद्यार्थी बनने का सुख सौभाग्य प्राप्त करने का एहसास करता है नौवें स्थान में सिंह राशि का केतु जो आकर के बैठा है यानी धर्म स्थान को वृद्धि कराने के लिए तत्पर बनता है दसवें स्थान में जो चंद्र है वो कन्या राशि का है यानी इसकी राशि कन्या बनती है और बुध भी साथ में आकर के बैठा है उच्च का बुध है और बुध और चंद्र का योग गज से केसरी योग बनाता है जो राजाओं का राजा महान राजा बनेगा और विजेता बनेगा ग्यारहवें स्थान में तुला राशि का शनि
उच्च का बन करके बैठा है, यानी यह लाभानुलाभ का योग बनता है। हे राजन, तेरे पुत्र की कुंडली का वर्णन संक्षिप्त में कह रहा हूँ, विस्तार का कहने का अधिकार अगर करने जाऊंगा तो सालों के साल बीत जाएंगे, मेरी कुंडली में बुरीपन नहीं बन पाएगी। हे राजन, संक्षिप्त में यही सार है। इसके बीच में बुआ जी क्या बोलते, सुनिए।